भाई बहन का रिश्ता है और पारिवारिक मुलाकात थी और इसलिए दीदी आज आई है और पिछले बार भी आई थी। मैं तो कहता हूँ आप आते रहिए, पॉलिटिकल तो सकाई नहीं संविधान हत्या दिन घोषित कर दिया है, ऑफिशियली घोषित किया है 25 जून को, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम भी हो रहा है, तो जो टाइम में आप अगर देखें कि नया संहिता का नाम पे जो क्रिमिनल लॉ जो चेंज कर दिया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किया। हम लोग समझ में नहीं सकते क्या है, किसी को पता नहीं है। आप एफआईआर कैसे करेगा, कौन किस में एफआईआर करना है, कौन किस को बोला है कि वो लोगों को भी समय ना जेल में डाल देगा, ऐसा बात है। एवरीबॉडी इज अफ्रेड, तो इमरजेंसी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। फेमस किया तो पहले से चेक करना चाहिए। और मुंबई में आप लोगों को पता जगह है हाउ देयर वर्ड इज 48 वोट अच्छा सो मेनी एरियाज, अदरवाइज दिस टाइम यू वर नॉट एबल टू कम, आई एम श्योर ऑफ इट। एंड दिस गवर्नमेंट मे नॉट कंटिन्यू आल्सो, इट इज नॉट स्टेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बट माय बेस्ट विशेस टू गम भैया अजीता मैडम, बहस नहीं, मैडम बहस नहीं, वो नहीं बोलना, बहस नहीं। एक
देखो सज्जन जिंदल जी भी उधर में दो पावर का फैक्ट्री बना रहा है और हमारा जो अंडर एयरपोर्ट है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है. सौरभ गांगुली इज ऑल्सो डूइंग इट, सो इट्स गुड फॉर बंगाल ऑल्सो एंड फॉर कंट्री ऑल्सो. তিনি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে 22 তারিখ থেকে, সেখানে কি আপনারা মোদি সরকারের কি জনবিরোধী বিভিন্ন নীতি তার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া টিম কি একসঙ্গে লড়াই করবে? দেখো ইন্ডিয়া টিম এরা স্ট্রং আর ইন্ডিয়া টিম অল দ্য টিম আর ইম্পর্টেন্ট, সো আই শুড নট সে এনিথিং অ্যাবাউট পার্লামেন্ট, ইট ইজ দ্য এমপিস উইল ডিসাইড অ্যান্ড দে উইল থিংক হোয়াট এভার দে লাইক টু ডু হোয়াট ইজ কারেক্ট. लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी भाजपा की तरफ से, जब से यहाँ पे महाराष्ट्र सागर जिस तरह से लोगों ने बहुमत दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सागर उद्धव जी और उन्होंने जो फाइट की महाराष्ट्र में उसको कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, उसको देखो सिंबल भी ले लिया. This is absolutely unethical. Instead of that, they fought like tiger. And I like it. Let me see first ki bole chhe. Then I can reply. आप कृपा करके समझिए, ये हमारी पारिवारिक मुलाकात थी. कृपा करके इसमें राजनीति ज्यादा मत लाइए. हम जो हमें कहना होता है हम खुले आप कहते हैं, कहने के लिए कुछ हम डरते नहीं है. और जहाँ जो कुछ कह रहे हैं मैं और दीदी हम कहते हैं और कहेंगे, उसमें कुछ डरेंगे नहीं. लेकिन थोड़ा सा बात समझिए कि पारिवारिक मुलाकात है, कृपा कर राजनीति ज्यादा मत करिए. हमारा पार्टी का स्टैंड इज वेरी क्लियर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अवर मेन आइडियोलॉजी एंड वी यूज्ड टू प्रोटेक्ट इट. दीदी महाराष्ट्र